याबाबत दुःख करत बसू नका, याबाबत दुःख करत बसू नका, कारण काळ अनंत आहे, कारण काळ अनंत आहे, वारंवार प्रयत्न करा, वारंवार प्रयत्न करा, व सतत प्रगतीच्या दिशेने पावले टाका, सतत कर्तव्य करीत राहा, आज नाही तर उद्या, आज नाही तर उद्या तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल, उठा जागे व्हा, थांबू नका, जोपर्यंत ध्येय प्राप्त होत नाही। और जो भी प्रश्न मैं करूं उसका आप मुझे हाँ या ना में जवाब देना। आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार हैं क्या? हाँ या ना? हाँ। आपको ये जो पुस्तक दी गई है धीर धरा, इसको आप एक महीने तक प्रतिदिन पढ़ना, इससे आपको काफी फायदा होगा। मैं अपने बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? एक गुब्बारा बेचने वाला था। क्या बेचता था? जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे, वो गुब्बारे वाला उन गुब्बारों को हवा में उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और आकर गुब्बारा खरीदते थे। आप भी जब बाजार में जाते हो, आपको कोई सामान दिखता है, आपके मन में भी खरीदने की इच्छा होती है, हाँ या ना? एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला बच्चा आया। कौन सा बच्चा? और गुब्बारे वाले के शर्ट को खींचा। अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हैं, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते। कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते। क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप बताओ, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? नहीं। गुब्बारे वाले की आंख भर आई। वो बोला, बेटा गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता है। गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता है। आप लोग बीच बीच में बोल सकते हैं, और जो भी बात मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। मैं चार पांच बच्चों को इधर बुला करके पूछूंगा कि क्या समझा। गुब्बारे वाले ने कहा कि बेटा, काला गुब्बारा भी उड़ सकता है, क्योंकि गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता है। कहने का ये मतलब है बच्चों कि जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा। उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? उड़ेगा। चाहे उसका रंग लाल हो, पीला हो, नीला हो, हरा हो या काला हो। उसी तरीके से जिस भी बच्चे के मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो, वो बच्चा आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। आप सभी बच्चे गुब्बारे की तरह हैं। जिस तरीके से गुब्बारे में गैस भर दी जाती है और गुब्बारा उड़ता है, उसी तरीके से आप बच्चे भी अगर पढ़ाई करेंगे, प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, समय का उपयोग करेंगे, तो आप भी गुब्बारे की तरह उड़ सकते हैं। उड़ सकते या नहीं उड़ सकते? उड़ सकते। आज आप में से किसी का रंग गोरा है, कोई काला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई कमजोर है, इसका संबंध आगे बढ़ने से नहीं है। आप लोग बीच बीच में बोल सकते हैं, इसका संबंध आगे बढ़ने से आपके अंदर इच्छा कितनी है? अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा हो, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता क्या? नहीं। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता क्या? नहीं। और आप सभी बच्चे सफल हैं। मैं आपको आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ। बचपन में जब आपने चलना शुरू किया था, तो चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, हाँ या ना? सभी बच्चे बोले,
चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, हाँ या ना? हाँ। और हर बार गिरने के बाद आपने फिर से उठकर चलने का प्रयास किया था, हाँ या ना? हाँ। अगर गिरने के बाद आप फिर से उठकर चलने का प्रयास नहीं करते तो आप चलना सीख पाते क्या? नहीं। जब आपने ए लिखना शुरू किया था तो ए के ऊपर ही प्रैक्टिस किया था, हाँ या ना? हाँ। और प्रैक्टिस करते करते आप ए लिखना सीख गए। आज आप में से कई बच्चों को साइकिल चलाना आता है क्या? जब आपने साइकिल चलाने की शुरुआत की थी तो आपको साइकिल चलाना आता था क्या? नहीं। उस समय आपके लिए साइकिल चलाना आसान था कि मुश्किल था? मुश्किल। और आज आपके लिए साइकिल चलाना आसान है या मुश्किल है? आसान। आज भी बच्चों आपको कई सम्स का नॉलेज नहीं है, कई सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रयास करना है। क्या करना है? बार बार प्रयास। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो ए की तरह बाकी चीजें भी सीख जाएंगे, हाँ या ना? हाँ। और प्रयास करना किसके हाथ में है? सभी बच्चे बोलो, प्रयास करना किसके हाथ में है? और प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? और अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? आसान। कितने बच्चे आज से ज्यादा प्रयास करेंगे, हाथ उठाओ। सभी बच्चे आज से ज्यादा प्रयास करेंगे, ठीक है, हाथ नीचे करो। जितने भी महान व्यक्ति हुए उनको अभ्यास मिला या नहीं मिला? जितने भी महान व्यक्ति हुए उनको अभ्यास मिला या नहीं मिला? अभ्यास मिलने के बाद उन्होंने प्रयास चालू रखा या बंद किया? अगर प्रयास बंद करते तो महान व्यक्ति बनते क्या? कितने बच्चों को महान व्यक्ति बनना है, हाथ उठाओ। सबों को महान व्यक्ति बनना है, तो आपको क्या करना? प्रयास चालू रखना या बंद करना? अब एक लास्ट प्रश्न करता हूँ, हाथ नीचे कर दो। कि आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि जीवन में क्या बनना है, सोचा है क्या? सभी बच्चों ने सोचा है? किसी ने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, कुछ न कुछ सोचा होगा। और जिन बच्चों ने नहीं सोचा है कि क्या बनना है वो सोच लेना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप बच्चे बस में सवार होते हैं, कहाँ सवार होते हैं? और बस का कंडक्टर पूछता है कि कहाँ जाना है, क्या पूछता? और आप कहते मालूम नहीं। आप क्या बोलते? तो बस का कंडक्टर आपको कहाँ का टिकट देगा? नीचे का, बाहर का। कहीं का टिकट नहीं देगा? देगा क्या? नहीं। और कुछ दूर आगे जाकर बस से नीचे उतार देगा। फुटबॉल का खेल जानते क्या? फुटबॉल में अगर गोल पोस्ट नहीं हो तो फुटबॉल का खेल होगा क्या? नहीं। उसी तरीके से अगर आपको ये मालूम नहीं, आपने ये अगर निश्चित नहीं किया कि आपको क्या बनना है, तो आप वो बन पाएंगे क्या? तो जिन बच्चों ने भी ये नहीं सोचा है कि क्या बनना है वो ये सोच लेना, एक दिन, दो दिन, एक महीने के अंदर। तो आज आपके पास पढ़ने का 10 साल समय है। कितना समय है? 10 साल। अगर आज आप 10 साल पढ़ाई करते, मेहनत करते और जो आपने सोचा आप वो बन जाते, तो आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा? आपको। अगर आज आप 10 साल पढ़ाई करते और जो आपने सोचा आप वो बन जाते, तो आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा? आपको। और अगर आज आप 10 साल पढ़ाई नहीं करते और आपने जो सोचा आप वो नहीं बनते,
तो आने वाले 40 साल परेशानी किसको मिलेगी? तो आपके पास विकल्प नंबर एक है, 10 साल की मेहनत और 40 साल का आराम। 10 साल की मेहनत और 40 साल का आराम। और विकल्प नंबर दो है, 10 साल का आराम और 40 साल की परेशानी। विकल्प नंबर दो क्या है? 10 साल का आराम और 40 साल की कितने बच्चों को विकल्प नंबर दो चाहिए? हाथ उठाओ। मैं अपनी बात दोबारा बताता हूँ, विकल्प नंबर एक है 10 साल की मेहनत और 40 साल का आराम। विकल्प नंबर एक क्या है? 10 साल की मेहनत और 40 साल का आराम। और विकल्प नंबर दो है 10 साल का आराम और 40 साल की परेशानी। आपको विकल्प नंबर एक चाहिए या विकल्प नंबर दो चाहिए? सभी बच्चे 10 साल मेहनत करके 40 साल आराम से रहना चाहते हैं, हाँ या ना? आप एक नारा बना लेना असेंबली में, एक बच्चा बोलना 10 वर्षा ची मेहनत और बाकी बच्चे बोलेंगे 40 वर्षा ची आराम। कोई एक बच्चा आओ, एक स्टूडेंट आओ और वो बोलो 10 वर्षा ची मेहनत और बाकी बच्चे बोलेंगे 40 वर्षा ची आराम। मैं अपनी बात 3 लाइन में रिपीट करता हूँ। जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? जिस भी बच्चे के मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो वो बच्चा आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? और लास्ट बात बताई, 10 साल की मेहनत के बदले 40 साल का आराम मिलता है, सस्ता है कि महंगा है? सस्ता। 10 साल की मेहनत के बदले 40 साल का आराम मिलता है, सस्ता है कि महंगा है? सस्ता। आप सभी बच्चे आज से ज्यादा पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं? हाँ। एक लाइन और बताता हूँ कि जिन बच्चों को पढ़ने की आदत है उनके लिए पढ़ना आसान है या मुश्किल है? आसान। और जिनको पढ़ने की आदत नहीं है उनके लिए पढ़ना आसान या मुश्किल? मुश्किल। तो जिन बच्चों को भी पढ़ने की आदत डालनी है वो आज से 1 महीने तक लगातार पढ़ाई करो, क्योंकि जिस काम को आप बार बार करते हैं उस काम की आपको आदत हो जाती है। आपको बचपन में साइकिल चलाना आता था क्या? नहीं। आपने बार बार साइकिल चलाया, आज आपके लिए साइकिल चलाना आसान है कि मुश्किल है? आसान। उसी तरीके से अगर आप प्रतिदिन 2 घंटे के जगह 4 घंटा पढ़ेंगे तो कुछ दिनों के बाद 4 घंटा पढ़ना आपके लिए आसान होगा कि मुश्किल होगा? आसान। तो आप अपने में पढ़ने की आदत डाल लो तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। और जिन बच्चों के लिए पढ़ना आसान हो जाता है, जिनको पढ़ने की आदत होती है, उनको पढ़ने के लिए बोलना पड़ता है क्या? नहीं। जिन बच्चों को पढ़ने की आदत है उनको पढ़ने के लिए बोलना पड़ता है क्या? नहीं। तो आज से आप ज्यादा पढ़ने की आदत डालो और उसके लिए प्रतिदिन 2 घंटे की जगह 4 घंटा पढ़ाई करो। 21 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी और पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप लोग तैयार हैं? ठीक है, आप लोगों ने हमारी बात सुनी, धन्यवाद। और आप लोगों का जीवन मंगलमय हो ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। या ठिकाणी जे काही सरांनी विचार सांगितलेले आहेत तेच विचार मराठी मधून आपल्या समोर आपल्या सर्वांचा लाडका आदरणीय आशुतोष झा त्याचेही भाषण आणि हे विचार सुद्धा तुम्हाला अतिशय मराठीमध्ये प्रभावीपणे सांगेल, तर त्याला विनंती करतो की या ठिकाणी त्याने ते विचार मराठीमधून सांगावे। आताच या ठिकाणी सरांनी आपल्याला हिंदीमधून जे मार्गदर्शन केलेलं आहे
त्यासाठी सरांचा पहिला मनाचा आभार मानतो. किती जणांना सरांना सांगितलं व्यवस्थितपणे कळलेलं आहे? मोस्टली सगळ्यांना कळलेलं आहे. सरांनी आपलं सांगितलं हिंदी मधून की आपण सातत्याने प्रयत्न केला पाहिजे. यासाठी रहीम जी काही गोहा आहे, करत करत अभ्यास के चढवीत होत सुजान आणि रसरी यावत जात ते सिल्फर पडत निसार. याचा अर्थ असा आहे, सातत्याने केलेल्या प्रयत्नाला यश नक्कीच मिळत असते. ज्या दिवशी आपण पहिल्यांदा चालायला सुरुवात करतो, पहिल्या दिवशी कोणी असं जन्म घेतला आणि चालायला सुरुवात केला आणि मॅरेथॉनच्या रनिंग मध्ये पाळला असं झालंय का कधी? नाही झालं. किती वेळा पडलाय तुम्ही? आपल्यालाच माहित नसतं आपण किती वेळा पडलोय. अगदी बरोबर, बोलताना सुद्धा आपली कोपडी वळ कितीतरी वेळा वळत असते. असं झालंय का बोलला शिकलाय आजच आणि उद्या आला माझ्यासारखं भाषण करतोय? नाही ना होत. मग याच्यासाठी वेळ लागतो, सराव लागतो. मग हे सरांनी सांगितलं, तुमच्या हातामध्ये पुस्तिका दिलेली आहे, त्या पुस्तिकेमध्ये उत्तम असे विचार दिलेले आहेत, ते विचारांना रोज नियमित वाचा आणि तुमच्या दैनंदिन जीवनामध्ये त्याचा आणण्याचा प्रयत्न करा. त्याचबरोबर आम्ही माझ्या मूळ विषयाकडे वळतो. पहिल्यांदा सांगितले ताट वासा.